हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। आप लोग ज्वाइन कर लो, अभी रिवाइज क्लास चल रहा है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। सो ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, GPI या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। और देखो, जो प्रीवियस PDF आप लोगों ने मिस कर लिया वो प्रोवाइड कर दूंगा, और रिवाइज भी हो जाएगा आपका, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द नेटो समिट हेल्ड रिसेंटली। कहाँ पे, मतलब रिसेंटली नेटो समिट हुआ था। ऑप्शन है पेरिस, अंकारा, वाशिंगटन या ऑप्शन डी लंदन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NATO, यानी नेटो का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या द नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजर या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कौन से तारीख को, मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 9 जुलाई, उसके बाद देखो 10 जुलाई, 11 जुलाई या ऑप्शन डी 12 जुलाई। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी 11 जुलाई, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ईयर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से साल पे कह सकते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन है 1990, 1989, 1991 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी 1989। देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 जुलाई, ये याद रखना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वॉज एस्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन, ये भी याद रखना। किसने एस्टेब्लिश किया, यूनाइटेड नेशन ने यानी UNO ने, और एंड इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1989, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024। ऑप्शन है नो वन लिव बिहाइंड या लेट्स टुगेदर एंड कंट्रोल पॉपुलेशन या ऑप्शन सी काउंट एवरीवन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो, द थीम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 इज लिव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, ये लिख लेना आप लोग। और इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे ऑफिशियल ग्रुप पे, सो ज्वाइन कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, हु इनॉग्रेटेड द न्यू फाइलिंग काउंटर इन सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सर अमित शाह, DY चंद्रचूड़ या राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, रिसेंटली PM मोदी वॉज अवार्डेड द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द व्हिच कंट्री। सो रिसेंटली अभी मिला, रिसेंटली ठीक है, PM मोदी जी को, मतलब कह सकते हाइएस्ट सिविलियन ऑनर कौन से देश का, रशिया, फ्रांस, स्पेन या यूक्रेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रशिया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टोल इज द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ व्हिच कंट्री। ऑप्शन सर USA, रशिया, यूक्रेन या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी रशिया, ये याद रखना। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को कह सकते हैं अवार्डेड द रशिया हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टोल। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो इज द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल, भूटान, रशिया या USA। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी भूटान, ये भी याद रखना। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हु विल बी द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट इंडियन कॉन्टिजेंट इन द अपकमिंग 2024 पेरिस ओलंपिक। ऑप्शन सर रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप या टाटा ग्रुप या ऑप्शन डी भारती एयरटेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अदानी ग्रुप। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।